और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद सीएए लागू, कल शाम जारी हुआ था सीएए का नोटिफिकेशन। सीए पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा हमला, उन्होंने कहा कि सीएए का अगला कदम एनआरसी होगा। बड़ी खबर आपको बता रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म करने का इरादा है। तो जहां कल एक तरफ सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जगह जगह खुशियां मनाई जा रही है कि तीन ऐसे राज्य हैं जो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता जो है उन्हें दी जाएगी, ऐसे में विपक्षी लगातार हमलावर है। उसी में एसटी हसन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएए का अगला कदम अब एनआरसी होगा, करोड़ों मुसलमानों की वोटिंग राइट को खत्म करने का इरादा है और यही वजह है कि विपक्ष इसे लगातार सीएए को चुनावी स्टंट बता रहा है कि लोकसभा चुनाव से ही पहले इसे आखिरकार क्यों लागू किया। हालांकि 2019 में ही संशोधन के तौर पर इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई थी कि आखिरकार इसे कानून के तौर पर कब पेश किया जाएगा, कब लागू होगा। और अब फिलहाल यह खुशखबरी है, पूरे देश भर में खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हालांकि कल राजधानी दिल्ली की बात करें, तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त कर दिए गए थे, हाई अलर्ट मोड पर रखा गया था, और अब विपक्षी इस पर हमलावर है और एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है। एसटी हसन का भी इस पर बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि करोड़ों मुसलमानों की वोटिंग के इरादे हैं, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद सीएए लागू किया गया है, इसको लेकर वेब पोर्टल जारी कर दिए गए हैं, यानी कि जिन्हें नागरिकता लेनी होगी पहले वहां पर पोर्टल पर अपने नाम को पंजीयन कराना होगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर उसके बाद उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।